गुलाबगंज में हुए मर्डर के आरोपी को पुलिस के द्वारा उसके गृह ग्राम से पकड़ा गया। गुलाबगंज में रामबाबू नाम एक व्यक्ति को लक्ष्मण रघुवंशी के द्वारा गोली मार दी गई थी। पुलिस द्वारा उसकी तलाश की गई तो मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त आरोपी अपने ग्राम पहुंच रहा है, जहां से वह भागने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा उसे ग्राम में नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया है। साथ ही उसने बताया कि एक महिला के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसको लेकर रामबाबू रघुवंशी इसको लेकर अक्सर टोका करता था, इसी कारण उसने रामबाबू रघुवंशी की हत्या कर दी। कल रामबाबू रघुवंशी का मर्डर हुआ था, जिसमें इसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट थी। फरियादी ने बताया था कि इसे ने आकर के उसने गोली मारी, तब से इसकी तलाश की जा रही थी। आज इसे गिरफ्तार किया गया, इसने अपराध स्वीकार भी कर लिया कि मैंने ही मारा है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया इसको? इसके गृह ग्राम सेमरा पेंच चौकी परमाड़ी घाट में पड़ता है, थाना आरोन में। वहाँ से रोड से गिरफ्तार किया, भागने का फिराक था, इंदौर जाने वाला था। इसके पास हथियार? इसके पास से हथियार नहीं मिला, इसे घर में हथियार रखा गया था, तो इसने बताया तो घर से हथियार बरामद हो गया। इसके द्वारा लाने कोई कारण स्पष्ट हुआ क्यों मारा? इसकी पुरानी रंजिश थी, महिला से किसी नाजायज संबंधों के चक्कर में वह पुरुष जो मृतक है वह आड़े आता था, वह विरोध करता था।